राधे राधे, सभी का वेलकम है मेरे केजी चैनल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक पनीर। तो पालक पनीर बनाने के लिए मैंने सबसे पहले पालक को काट लिया है अपने किचन गार्डन में से, और सबसे पहले मैंने पालक को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, क्योंकि वॉश करते समय सबसे मेन ध्यान रखना चाहिए कि इसके अंदर मिट्टी ना रह जाए। अगर मिट्टी का थोड़ा सा भी कण रह जाता है तो उससे उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो पालक को मैंने कुकर के अंदर डाल दिया है, अच्छी तरह से उसकी 2 सीटी लगवानी है। इसके अंदर मैंने मिर्च डाल दिया है और साथ साथ मैंने इसमें के अंदर काजू भी डाला है, जो काजू इसकी जो ग्रेवी को थिकनेस भी देता है और साथ साथ इसके टेस्ट को बहुत बढ़ा देता है। और इसके लिए मैंने सबसे पहले मैंने प्याज, लहसुन और टमाटर को भी बारीक पीस लिया है। इसको पीसते टाइम सबसे पहले मेन है कि उसको मिक्सी के अंदर अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, पर इसको दरदरा ही रहने दीजिए। इससे जो टेस्ट है और भी बढ़िया आता है और साथ साथ इसका जो टेस्ट है और बढ़िया बन जाता है। तो इसके साथ मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है और तेल को गोल्डन से यानी कि सिल्वर आने तक, मीन्स वाइट होने तक इसको गर्म करिए, क्योंकि जो टेस्ट है वो भी इसमें बहुत मायने रखता है। अगर आप कच्चे तेल में मसाले डालेंगे तो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है। इसके अंदर मैंने डाल दिया है प्याज, लहसुन और उसका पेस्ट डाल दिया है, साथ साथ जीरा, धनिया और ये सारी टमाटर सबको ऐड कर दिया है। और इसको तब तक हिलाते रहिएगा जब तक ये इनका जो कलर है ब्राउन नहीं हो जाए। और इसके अंदर मैंने मसाले ऐड कर दिए हैं और ये पालक भी बॉयल्ड हो चुका है और मैंने इसको ब्लेंडर से मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से। और ये मसाले मैंने नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया और साथ साथ गरम मसाला भी डाला है। इस तरह इसको अच्छी तरह से मिलाते रहिए और इसको अच्छी तरह से हिलाते भी रहिए ताकि ये इसके कढ़ाई के साथ चिपक ना जाए। इसके अंदर आप पानी ऐड कर दीजिए। पानी ऐड करने के बाद इसको थोड़ी देर हिलाते रहिए और जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से जो अपना कलर नहीं छोड़ जाए, तो उसके बाद आप इसके अंदर पनीर ऐड कर लीजिए और इसको भी थोड़ी देर आप हिलाइए भी और थोड़ी देर बॉइल्ड भी करिए ताकि जो पनीर के अंदर जो मसाले हैं अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। और लास्ट में आप ऐड करिए जो पालक, जो कि मैंने ब्लेंडर कर लिया है, और इसको हिलाइए और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए ताकि जो पालक और पनीर एक दूसरे के अंदर अच्छी तरह से रम ना जाए। और ये मेरा पालक पनीर रेडी हो चुका है। और लास्ट में मैंने लगाया है इसके ऊपर तड़का, जो कि मैंने सिर्फ जीरा और मिर्च का ही लगाया है। इसका जो टेस्ट है वो इसके अंदर इसके कलर को और भी बढ़ा देता है। तो मैंने लास्ट में इसमें ये तड़का को ऐड कर दिया है और ये देखिए इसका जो टेस्ट है और कलर, जो इसके कलर में जो आता है निखार, वो और भी बढ़ा देता है इसके पालक पनीर को। तो इस तरह ये मेरा पालक पनीर रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आप सभी का।